अगल स्टेशन अफारिकन खाल से जरा आपको चले हैं और बैं साइड उतरे और फटाफट उतरे न तर है गाड़ आ कि तुम्हारो चटनी बना जा जन। उल्टी करण वाला ध्यान से सुन लिया भैया कह कुछ लिंदे उल्टी करो नीच गाड़ रुका कि तुम उल्टी कर सकता और खिड़की पे मुंड जरा ध्यान से निकला एना है गाड़ आ कि मुंड दगड़ ली। छोटी छोटी बात में घबरा जाती है भाभी, अब डरने की कोई बात नहीं, ठीक है कर दिया ना तुम्हारे सामने क्लियर। लड्डू दे दिया आधे किलो से भी दे दो। हाँ लाल वाले लड्डू भी अलग अलग प्रकार का होंगे क्या? मेरा हाथ पर चलने में तो सब लड्डू एक ही जान समझो। चाहे पहले बोर करना पड़ता है, बोर करके उसके बाद फिर बोर जब हो जाता है तो पाइप डालना पड़ता है, पाइप डाल के नल लगा के चला दो बस पानी आ जाता है। ये काम कब से कर रहे हैं आप? ये काम 35 साल से मैं कर रहा हूँ, कागा की चोटी से लगाऊं उधरपुर तक गया हूँ एयरपोर्ट तक। मुझे आप आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत दिनों से सोचती थी मैं आपको मिलूं और इसी बहाने मैं आपको मिल गई। असदी है ना अच्छी अजय पहले प्रणाम और सेवा सोली आप सभी को। तो कैसे हैं आप? तो होप सो आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए एक बार फिर से एक नई वीडियो की नई शुरुआत करते हैं। आइए बिल्कुल खास करते हैं। तो दोस्तों अभी नहा धो लिया है बढ़िया सर, अभी के 9 बज रहे हैं, 9 बजे का टाइम हो चुका है और टन मार के नहा भी लिया है। मैंने कहा जब तक शहरों में हूँ तब तक लगातार नहा लेता हूँ, बाकी जब घर चले जाऊँगा तो फिर बात फिर वही होगी कि 15-20 दिन में होगी बात। यार मजाक कौन से बोले, ऐसा हाल नहीं है आप तो बर्तन तो ना ही जाने में भूलिए या मेर बहुत से पूछ लिया था मजा आने का चले। तो चले दोस्तों अभी तैयारी है ठीक फिर काशीपुर जाने की, कल टेस्ट करवाने के लिए दिए थे तो उसकी रिपोर्ट आएगी आज, तो वो रिपोर्ट लेके आएंगे फिर वहाँ डॉक्टर को दिखाएंगे, देखते हैं डॉक्टर साहब क्या क्या बोलते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाभी की तबीयत को क्या हुआ है, क्या क्या हालचाल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेजर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, खांसी की थोड़ी बहुत दिक्कत थी, परसों भी दिखाया था हमने पर वहाँ मेरा थोड़ा सज नहीं आया, तो उसके बाद हम कल दूसरे डॉक्टर के पास गए, फिर वहाँ जाके थोड़ा बहुत एक्सरे वगैरह करवा रहे, उन्होंने टेस्ट के लिए बोला था तो वो भी रिपोर्ट आएगी आज। तो बाकी देखते हैं क्या क्या होता है, अभी जा रहे हैं थोड़ी देर में वहीं। हेलो 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 बन भात खा जा भात खा जा। इधर देखो भाई दोस्तों डेली का मौसम सेम ऐसा ही रह रहा है पर बारिश नहीं आ रही बिल्कुल भी, यार थोड़ी सी धूल देता बारिश तो कहाँ दिक्कत आ रही थी है, कहाँ दिक्कत आ रही थी, फिर कहाँ दिक्कत आ रही थी है। हेलो तो भाई दोस्तों आज का लुक कुछ ऐसा है, यहाँ देखो ये है और ये है, डेली का लुक मेरा ऐसे रहता है यार। दो कपड़े तो मैं लेके आया था, दो जोड़ी लेके आया था, बाकी देखते हैं टाइम मिलेगा तो एक आध टी शर्ट और ले लेंगे, यही लुक है अपना डेली का। बाकी भाभी का लुक जो है डेली चेंज होता रहता है। चलिए ऑटो के लिए भी बोल दिया है, देखते हैं। बाकी यार हम यहीं से ऑटो करके ले जा रहे हैं, मतलब रिक्शा करके ले जा रहे हैं, बार बार का झंझट मेरे समझ नहीं आता कि वहाँ से बदलो वहाँ से बदलो वहाँ से बदलो। तो अकेला रहूँ तो कोई बात नहीं, हो तो हो भी जाता है पर ऐसे साथ में ठीक नहीं लगता। अब मैंने वही कर रखा है, यहीं से करेंगे ठीक वहीं और फिर आना जाना दोनों एक साथ हो जाएगा। बाकी आज मार्केट में थोड़ा बहुत और काम भी है तो वो भी निपटाने हैं। आपके पैसे लेके आने दीदी जी, कितने लाऊं, सारे निकाल के ले आऊं? 2000 अरे यार ना वाला यार 50-60 तो निकलवाओ यार है? बोला आजकल फोन पे का जमाना है बोल। ये भी बढ़िया है पर वैसे कैश आजकल लोग कम ही रखते हैं, पर भैया ऐसा है कि कैश बहुत जरूरी है, कई बार ना तुम्हारा फोन पे गूगल पे कहीं काम नहीं आता, कई बार खासकर हमारे पहाड़ों में चले जाओ तो वहाँ तो ज्यादा ही दिक्कत हो जाती है। लो भाई जाने से पहले चाय भी आ गई। अरे अकाउंटेंट साहब यहाँ पे पता नहीं क्या हिसाब कर रहे हैं भैया, ज्यादा हिसाब हो गया क्या है मुझे खाता है। क्या स्कीम से तुम्हारी? हमारी स्कीम ये है कि हम आरडी का प्लान देंगे है, ये हमारे पास 3 साल आरडी थी है, जेम के तुम 500 से स्टार्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड थी, टैक्स फ्री थी, एमपी टैक्स नो, तुम कभी पैसे जमा कर सकते हो। अच्छा, और ब्याज इधर ये कम से कम 10% 13% स्टार्ट। वाह सेठ आ जन से बोला तो हम नहीं जो भाई है तुम्हारा बड़ा अच्छा सेठ, हम लोग तो सेठ बुला दो। अच्छा 25 दिन में पैसा डबल? साढ़े छह साल में वेट करने दे पैसा डबल कर, ये तो बढ़िया स्कीम चेयर तुम्हारी। बाय बाय बाय, तुम हमको छोड़ के चले जाते हो बोल बंडे होगी कि नहीं दीदी आधा ले जा ले जा शॉपिंग करियल में तुम कर। चलो भाई दोस्तों बारिश आने भी शुरू हो गई यार, हल्की हल्की सी पड़ रही है। बाकी हमारे दवाई वाले भैया भी आ गए, एक बार इधर मुड़ जाओ जरा। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया है ना, चलो बढ़िया रहने चाहिए यार। चलिए दोस्तों चलते हैं, अभी तो जी लिस्ट लगाना चा है, ये मौसम भी तभी खराब होने जब काम पड़े ब्याल बड़े कुछ ना भैया ध्यान सुनो सारे दिन मान तो कुछ ना आ रही नहीं होने जरा भय निकलो एक तबीयत खराब हो जाए। भाई दोस्तों अगर ये मिनी मेट्रो हमारे गांव साइड होती ना
तो पता है क्या होता, अगर मिनी मेट्रो को कंट्रोल करने वाला मैं रहता तो मैंने कैसे बोलना था, अगले स्टेशन अफारिकन खाल से जरा आपको चले हैं और बै साइड उतरे और फटाफट उतरे न चटनी बनाया जा जन जरा ऐतर बेहतर देखे इन्हीं बीरू खाल जाना वाला यात्री देर साठ उतरे तुम हो मला खंड जरा कोई मला देखी ना कपम ताल जला था बुझेंगे ठीक है। जरा ध्यान से अपुर सामान स्वयं करे अबारा का मुख बाड़े बैठी ये ना हो तुम्हारे सामान द्वारा उल्टी करण वाला ध्यान से सुन लिया भैया के खुचली उल्टी करो नीच गाड़ रुका की तुम्हें उल्टी कर सकता और खिड़की पे मुड़ जरा ध्यान से निकले इना है गाड़ आके मुड़ दगड़ ली भाई पर खा गया और छोड़ बता आनी है भिदरानी पर कौन आई ओए अकरे रे जी पड़ गई बारिश, पता नहीं कितने दिन से सह रखा था, जब से हमारे धन लगभग डेली बन रहा था बारिश का मौसम, डेली थोड़ा बहुत कभी सुबह कभी शाम को, बट हुई नहीं बिल्कुल भी। आज देखो भैया आज नहीं छोड़ी गई बारिश बिल्कुल भी। भाई साहब यहाँ बारिश देखो बापा कत तेज पानी है भाई, यो सुन बादो का बस गले में अधेरा गधेरा बग दे गे ना, यको हमारो रिक्शा फंसी गए ले खा ले अब का माछा। ए बापा असली छला रत यख आई गया रे खा ले अब का माछा। बापा ओ बापा आगे छला रे बुगे गे मछो ये ले खा ले अब का माछा। चलो भाई जैसे तैसे करके पहुंच गए हैं क्लिनिक के बाद। ये रहा कुछ ऐसा है क्लिनिक, यहाँ तो बारिश थोड़ी कम हो रही है यार, और वहाँ जहाँ से हम आए वहाँ बहुत तेज हो रही थी। चले पहले अपनी रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं उसके बाद देखते हैं अंदर जाके। लो भैया ये लो रिपोर्ट भी आ गई है, अभी चलते हैं फटाफट से पहले वहाँ रिसेप्शन पे पूछते हैं कब तक अपना नंबर है। चलो भाई दोस्तों यहाँ का काम तो निपट चुका है, यहाँ देखो आज ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फटाफट से थोड़ा नंबर लगाया, बस आधे घंटे में काम हो गया, अंदर नंबर भी फटाफट आ गया। बाकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, बोले यार सब नॉर्मल है, 3 दिन की दवाइयाँ जो कल वाली दे रखी है वही खानी है, और उसके बाद बोले 2-4 दिन बाद बोले फिर एक बार दिखा लेना, देखते हैं क्या होता है। बाकी भाई अपना रॉकेट यहाँ पर खड़ा था और रॉकेट को जो चलाने वाले भाई साहब वो ये हैं। अब भैया नो टेंशन हो जाओ तुम यार, बेफालतू की टेंशन पालते रहे तो बहम की कोई दवाई नहीं है भाई, बहम नहीं पालना चाहिए कुछ भी, छोटी छोटी बात में घबरा जाती है भाभी, अब डरने की कोई बात नहीं है ठीक है, कर दिया ना तुम्हारे सामने क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना नहीं। चलो भाई अब निकलते हैं मार्केट की तरफ फटाफट से, थोड़े बहुत काम मार्केट में है वो भी निपटाने हैं। मौसम बिल्कुल बढ़िया हो रखा है यार, कल गर्मी से मर गए आज बिल्कुल ठंड हो रखी है, ठंड मार के बस तो गदने आ रखे हैं, थोड़ा गली में पानी पानी हो रखा है, बाकी कुछ नहीं, आज ब्लू है पानी पानी है, गली में पानी हो रखा काला, आज पानी है काला काला। अब दोस्तों थोड़ा सा यार टेंशन फ्री हो गए थे, थोड़ा भाभी जरा बहम पाल देती है, डर जाती है कि भाभी तो कम डरती है पर भाभी का जो वो है ना जान जी वो डर जाते हैं ज्यादा जरा तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब चीज नॉर्मल है, डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, पर नॉर्मल चीजें हैं, दवाई दे रखी वो खानी है, थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है ना क्लियर हो जाता है, नहीं तो परसों भी दिखाने गया था मैं यार वहां से, मेरा थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मैंने कहा एक बार दोबारा चलते हैं, तब अब जाके थोड़ा ठीक हो गया है। चलो भाई दोस्तों सबसे पहले एटीएम का काम निपटाते हैं है ना, हो जा भाई खुल जा सिंह सिंह। ये शाम आ गई जी आगे। चलो भाई चलो भाई दोस्तों पैसे भी निकाल लिए हैं, पता एक बार की बात बताता हूँ क्या हुआ, मैं था हरिद्वार में अर्जेंट पैसे चाहिए थे तो मैंने डाले उसमें 4,000 अमाउंट ठीक है, पैसे कर हुआ और क्या बोलते हैं वो कट भी गया, बैलेंस भी कट गया ठीक है, पर एटीएम के अंदर से बाहर नहीं आए पैसे, मैं उस पर्ची को लेके वहाँ गया बैंक में, उन्होंने बोला क्या बोलते हैं 48 घंटे के अंदर रिफंड हो जाते हैं, बोले हाँ 4 साल हो गए कुछ नहीं हुआ, वो 4,000 रुपए ऐसे गए। बारिश देखो यार भाई, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रहे बिल्कुल भी यार। चलो भाई दोस्तों ये थोड़ा सा सामान और था ये भी ले लिया है, मैं कि चला कि चलो यार भाई
अब लेने हैं थोड़े से लड्डू, जरा देखते हैं यार है ना बोची बोची का लड्डू दे दिया लड्डू भी अलग अलग प्रकार का होंगी क्या मेरा हाथ पर चल मैं तो सब लड्डू एक ही जान समझो चाहे चलो भाई लड्डू का हिसाब भी हो गया बाकी कपड़ों का तो कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि मार्केट बंद है पानी की वजह से। गांव में हमारे पास कितने सारे नींबू हैं यार फ्री के अपने पेड़ के। अरे यहाँ देखो इतने महंगे ना क्या बोले यार। आज मिल बाल नमस्कार है। नमस्कार दोस्त क्यों माल तो कुछ नहीं पर नाराज क्यों यहाँ से तुम है तबियत पानी ठीक तुम्हारी बरका कह दिया तुम्हें यार फर्स्ट क्लास है। चलो एक बात बताओ एक मच्छर नीचे यार क्या कारण वालो गरीब मच्छर क्या यार क्या क्या खासियत में वो यार चीन बात थी। भाई दोस्तों अभी घर में आ चुके हैं और बीच में जा रही थी कलश यात्रा भाई वहाँ पे ना माँ बहने दीदी लोग इतने प्यारे लग रहे थे ना मैंने वहाँ पे वो क्लिप बनाया ना यार मैंने देखा ही नहीं कि कैमरा ऑन है कि ऑफ है अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है इतने प्यारे लग रहे थे ना भाई इतने बढ़िया सीन आ रहा था ना वहाँ पे मज़ा आ रहा था उनको देख के तो दिमाग खराब है उस टाइम मैंने देखा नहीं कैमरा ऑन है कि ऑफ है अब जाके मैंने चेक किया तो भाई वहाँ वीडियो ही नहीं बनी है मोटर चलना क्या बोलना। हाँ जी भाई साहब आपका पूरा सामान आ गया पर हम आपके हनुमान जी की मूर्ति भूल गए यार है पका ना सुनते नहीं बोलना चाहता मैं ना नाराज हो जाए ना, ना, ठीक जी जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम एक बार फिर बोलो जय श्री राम जय श्री राम। तो भाई अब देखो अब आ गए हैं हम दीदी के घर में जो नया बन रहा है यहाँ पर देखो जमीन से पानी आ रहा भाई भाई साहब यहाँ से पानी निकाल दिया है इन्होंने बाकी लड्डू ला रखे हैं और वो क्या बोलते हैं धूप बत्ती ला रखी है पूजा की जाएगी। अब बरका की घनमोरा है बरका पीछे ही नहीं छोड़नी जग के जाओ वो कह पिछने पिछने लो भाई दोस्तों हैंडपंप आ गया तैयार जमीन से पानी निकाल लिया बिल्कुल बढ़िया सा ये भी अपने आप में एक कला है यार ऐसे ऐसे है कैसे करके होता है इसका प्रोसेस इसका हाँ पहले बोर करना पड़ता है बोर करके उसके बाद फिर बोर जब हो जाता है तो पाइप डालना पड़ता है पाइप डाल के नल लगा के चला दो पानी आ जाता है। बड़ी मेहनत का काम बहुत मेहनत का काम बहुत पत्थर है यहाँ पर हाँ सबसे ज्यादा पत्थर इस एरिया में। अच्छा ये काम कब से कर रहे हो आप? ये काम 35 साल से मैं कर रहा हूँ। वहाँ यार फिर तो की चोटी से लगाऊं उदयपुर तक गया हूँ एयरपोर्ट तक। वाह क्या बात है काम करा है इस एरिया में। चलो बढ़िया तो वही दोस्तों यहाँ देखो हमारे प्यारे प्यारे फैन हमको मिलने के लिए आ रखे हैं तो कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ? मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मैं आपको मिलूं और इसी बहाने मैं आपको मिल गई। असुदी है ना अच्छी अच्छी चलो बढ़िया बढ़िया यार आप हमें मिलने हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओ भाई यहाँ देखो दोस्तों यार सनसेट देखो कितना तगड़ा हो रहा है चारों तरफ लालिमा छाई हुई है और सूर्य धीरे धीरे डूब रहा है। अब यार यहाँ देखो यार दिन में ना बारिश आ गई यार ये सारे कपड़े दोबारा से भीग गए यार मेरे भी भीग गए मुझे कल जाना भी है।